किसान बिल पर सरकार का पक्ष रखने किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गुना पहुंचे। प्रदेश सरकार द्वारा किसान बिल पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह यादव गुना पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों के बीच किसान बिल पर विपक्षी पार्टी द्वारा किए जा रहे हंगामे को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन पार्टियों द्वारा किसानों को भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे किसान परेशान हो रहे हैं, जबकि ये बिल किसानों के हित में से किसानों को ही फायदा होगा। देखिए गुना जिले से BSP 24 न्यूज उमेश राठौर की खास रिपोर्ट। जो गांव का छोटा छोटा किसान, किसी के पास 4 क्विंटल की फसल है, किसी के पास 10 क्विंटल की फसल है, तो जो छोटी मात्रा में जब वो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार में आता है, तो बाजार के बाहर सड़कों के बाहर हम कई बार देखते हैं कि लोग व्यापारी, छोटे व्यापारी बैठे रहते हैं। उसमें ये भी ध्यान में आता कि बड़ा व्यापारी उनको फाइनेंस भी करके रोज उनसे खरीदारी कराता है और 4 क्विंटल मात्रा का उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता, उसका भाड़ा ज़्यादा लगता है। इसलिए गाँव में भी कोई किसान, समृद्ध किसान, पढ़ा लिखा नौजवान किसान अपने गाँव में भी उन छोटे छोटे किसानों की छोटी छोटी मात्रा की फसल को वाजिब मूल्य खरीद सकता है, उसको ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करके उसको ग्रेडिंग करके एक बड़ी मात्रा में का उसका भाव तय कर सकता है। इसलिए छोटे किसान को अपने 4 क्विंटल उपज का दाम उसी गांव में मिल सकता है, इस प्रकार का भी प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा और हम देखते हैं आज बदले हुए परिवेश में हमारे गाँव में सक्षम किसान भी हैं, समर्थशाली किसान भी हैं। कई किसान तो ऐसे हैं कि वो अपने गाँव में 20 लाख की फसल खरीद सकता है। इसलिए छोटे छोटे किसान को उसके गांव में भी उसको खरीदार मिले, इसके प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। अब प्रश्न उठ रहा है कि कांग्रेस और कुछ लोग इस प्रकार का किसानों को भ्रम फैला रहे हैं कि अगर इस प्रकार का प्रावधान करेंगे तो ये सरकार MSP खत्म कर देगी, समर्थन मूल्य पर खरीदारी नहीं करेगी। आप देखिए कि लगातार जब से माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, हमने MSP को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। 2013-14 में जहाँ चने का MSP 3100 हुआ करता था, आज MSP चने का 5100 रुपये है। आप और हम सब जानते हैं कि 1955 में देश में जो खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति थी, उस दौर में तो हमारे देश में खाने के लाले पड़ते थे और इसलिए कुछ जिनसों को, कुछ खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु के अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था। आलू है, प्याज है, दालें हैं, खाद्य तेल हैं, इनको स्टॉक करने की क्षमता अधिक सीमा सरकार ने तय की थी और उसके कारण आज देश में जो उत्पादन हो रहा है, कई क्षेत्रों में तो रिकॉर्ड हमारा उत्पादन हो रहा है। इसलिए वो 1955 का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून बना हुआ था वो व्यवहारिक नहीं था और इसके कारण जब कई बार जब देश में ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं और स्टॉक की जब लिमिट होती है, उसके कारण कई बार गिरावटें भी आती हैं और मूल्य वृद्धि भी होती है। इसलिए उस अधिनियम को भी बदलने का काम किया और अधिनियम के माध्यम से मैंने जैसा उल्लेख किया कि हमारे गांव में हमारा किसान, संपन्न किसान भी छोटे छोटे किसानों की फसलों को खरीद करके उसका स्टॉक कर सकता है, व्यापारी पर उसको कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा ये तीनों कानून किसानों के हित में है। इस तीनों कानून के अंतर्गत कहीं ये प्रावधान नहीं किया गया कि हम मंडियाँ बंद करेंगे। पूर्व के जो नियम लागू थे, पूर्व के जो कानून बने हुए थे, वो सारे कानून आज भी विद्यमान हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हमने कुछ अलग कुछ किया ही नहीं है और दुर्भाग्य तो ये भी है कि कांग्रेस और दल, कुछ दल के लोग इन्हीं सुधारों के लिए संसद में बात करते थे और बार बात करते थे कि ये संशोधन होना चाहिए, लेकिन जब हमने करके दिखा दिया, हमारे मन में ये भाव है, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प और देश का किसान भी आज़ादी के साथ एक नई तकनीक के साथ आज देश में कोई भी उत्पादक, किसी चीज़ का उत्पादक अपने दाम तय करता है, लेकिन देश के किसानों का दुर्भाग्य कि आज भी वो अपने फसल का दाम तय नहीं कर पाता और इसलिए इस दिशा में ये बड़ा हुआ कदम है। एक राष्ट्र, एक बाजार का एक जो अवधारणा है, उसकी संरचना हमको खड़ी करना है और इसलिए ये तीनों कानून किसानों के हित में है।